दोस्तों आज की ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग भी गूगल क्रोम में गेस्ट आईडी बनाते हैं और आप लोग भी गूगल क्रोम के गेस्ट आईडी का शॉर्टकट अपनी डेस्कटॉप पे लाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं हाउ टू क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट ऑन गूगल क्रोम गेस्ट आईडी। आज की इस कम्प्लीट वीडियो में आपको हम कम्प्लीट जानकारी देंगे, तो इस पूरी वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्च यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि गूगल क्रोम में जो अपनी गेस्ट आईडी है उनको अपन शॉर्टकट कैसे अपनी डेस्कटॉप पर बना सकते हैं। सबसे पहले मैं गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूं, तो आप देख पाएंगे इतनी सारी यहां पर मेरी ये गेस्ट आईडी है, ठीक है ना। अब इन गेस्ट आईडी अगर आप चाहते हैं कि भाई शॉर्टकट आपकी डेस्कटॉप पर सेव हो तो वो कैसे कर पाएंगे, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको अपनी गूगल क्रोम को ओपन करना है, अब ठीक है। जितनी भी आपको यहाँ पर गेस्ट आईडी दिखाई दे रही है, अब जिस भी आईडी का आपको शॉर्टकट या सभी आईडियों का शॉर्टकट आपको डेस्कटॉप पर बनाना है तो आपको करना क्या, ध्यान दीजिए। तो यहाँ आप देख पाएंगे ऊपर आपको तीन डॉट देखने को मिलते हैं। देखिए वह लिखा है मोर एक्सल, देखिए मोर एक्सल किसी भी आईडी, मान लो कि मेरी एक हो, दो हो, तीन हो, दस जितनी भी हो, जिस भी आईडी का आपको गेस्ट आईडी का शॉर्टकट डेस्कटॉप पर बनाना है उसके राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर देख पाएंगे गेस्ट आईडी के यहाँ पर तीन डॉट देखने को मिलते हैं। इन तीन डॉट पर आपको क्लिक करना होगा, देखिए ये लिखे हुए हैं। चलिए मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने वाले आप देख पाएंगे आपको एडिट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको एडिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एडिट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ देखिए यहाँ से आप नाम भी चेंज कर सकते हैं और सिंपल से प्रोसेस नीचे आएंगे तो देख पाएंगे लिखा हुआ है क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट, ठीक है। क्रिएट ए डेस्कटॉप शॉर्टकट ऑन योर डिवाइस टू एक्सेस डायरेक्टली टू द प्रोफाइल, आपको इसको ऑन कर देना है। जिस इसको ऑन कर देंगे तो आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पे जबकि ये वाली गेस्ट आईडी टेक्निकल सर्जी के नाम से इसका शॉर्टकट आपकी डेस्कटॉप पर बन गया होगा। चलिए दिखाना चाहूंगा, देखिए आ चुका है, देखिए आ चुका है टेक्निकल सर्जी, ठीक है। इसको मैं राइट खोल सकता हूँ, देखिए राइट खुल चुका है, ठीक है। अगर मैं दूसरी आईडी का बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर सिंपल कुछ भी नहीं करना, जिस भी आईडी में यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रोफाइल दिखाई दे रही है गेस्ट आईडी की, उसकी राइट हैंड साइड में कीबोर्ड पर क्लिक करके एडिट पे आऊंगा और यहाँ पे आप देख पाएंगे नीचे अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा शॉर्टकट पे तो आप देख पाएंगे इसका भी शॉर्टकट है, वो मेरी डेस्कटॉप आईडी पे बन चुका होगा, मतलब आईडी मतलब डेस्कटॉप पे बन चुका होगा। अगर मैं प्रोफाइल वगैरह चेंज करना चाहूँ तो क्लिक करके भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। अभी मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, काटना भी सकते हैं, दूसरा भी बन चुका है। दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपने गूगल क्रोम ब्राउजर की गेस्ट आईडी का शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पर बना सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद आप लोग अच्छे से पूरा समझ गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही कई सारी यूट्यूब वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।